मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में क्षेत्रीय विधायक ने क्षेत्र का दौरा कर लगातार बारिश से बर्बाद हुई फसलों और क्षतिग्रस्त मकानों का जायजा लिया। शुक्रवार को क्षेत्रीय कुरवाई विधायक हरिसिंह सप्रे ने पठारी क्षेत्र का दौरा कर लगातार बारिश से बर्बाद हुई फसलों, क्षतिग्रस्त मकानों और सड़कों का जायजा लिया। प्राकृतिक प्रकोप से बर्बाद हुई फसलों पर अफसोस जताते हुए विधायक हरिसिंह सप्रे ने कहा कि किसान दोहरी दंश झेलने को मजबूर है। विदिशा से आशीष सहले की रिपोर्ट। किसान तो बर्बाद लुट गया, मतलब चौ तरफ से लुट गया, ये सरकार ने उसे बर्बाद कर दिया। ये तो 2 लाख रुपया जो उन्होंने घोषणा की थी वचन पत्र में, 2 लाख रुपया बोला तो माफ किए, उसके ऊपर वो 2 लाख रुपया ना देने के कारण किसान उसको ओवर ड्यू का ब्याज वो 14% चार्ज हो गया। मतलब 2 लाख के अब किसान को 2.5 लाख देने पड़ेंगे। अब 15 दिन बाद 20 दिन बाद बखानी पछतानी बवनी का काम चालू हुआ। जब वो किसान ओवर ड्यू हो गया तो उसको खाद बीज कहाँ से मिलेगा? किसान को 74% मार्ग बर्बाद कर दिए किसान सरकार। तो वहाँ भी मैंने देखे, घर देखे गिरे हुए, उनको भी मुआवजा नहीं, आवेदन लगा गए तहसील में बोलो। मैंने उनसे कहा निश्चित रहे, मैं जो घर जन धन हानि जो भी होगी तो उसके लिए मैं संबंधित SDM से चर्चा करूँगा, जरूरत पड़ी तो कलेक्टर से चर्चा करूँगा, जरूरत पड़ी तो प्रभारी मंत्री से चर्चा करूँगा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।